अयोध्यार राम मंदिर रे रामलीलार मूर्ति पाई नेपाल रो गंडकी नदी रु शिला अणागला 127 क्विंटल रो एही शिला नेपाल रु सड़क मार्ग द्वारा ही अणागला जहाँ अयोध्यार पहुंचा गला। तबे विधि विधान सहित ए सबुर पूजा अर्चना करा जिबो। अनेक लोकमानक मनरे किंतु गोटिए प्रश्न रही कि रामंकर जन्मभूमि रे जेउ श्रीरामंकर स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा करा जिबो सेही स्वरूप पई सुदूर नेपाल रु ही काहेकि एही शिला को अणागला एवं सेठारे थिबा गंडकी नदी रु ही काहेकि एही शिला को अणागला। एहा पछर रहस्य कोण, एहार महत्व कौन, गंडकी नदीर महत्व कौन रही, शिलाग्रामर महत्व कौन अटे। नमस्कार दर्शक बंधु, आज वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्छी मु आनी शतपथी। दर्शक बंधु, शालग्राम पथर को शास्त्र रे साक्षात विष्णुंकर स्वरूप बोली विश्वास करा जाए। हिंदू मुख्यतः वैष्णव माने ही एही शालग्रामंकर पूजा अर्चना करिथांती। एही शालग्राम पथर नेपाल रो गंडकी नदी रे ही मिलिथाए। एहा एको प्रकार रो पथर अटे। हिमालय रु आसुथिबा पाणी एही पथर रो चट्टान सहित माड़ करी एहा कु छोटो छोटो खंड रे परिणत करि दिए। एही छोटो छोटो पथर खंड को शालग्राम रूप रे पूजा अर्चना करा जाए। तेबे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रु जदि आमे देखिबा ताहले एही पथर एक प्रकार जीवांश अटे, ए काइंड ऑफ फॉसिल। एहा 30 प्रकार अटे। जदि आमे एहाकु धार्मिक दृष्टिकोण रु देखिबा ताहले भगवान विष्णुंकर एहा स्वरूप अटे। सारा देश रे ही एही पथर को भगवानकर मूर्ति भावरे पूजा अर्चना करा जाय थाए। धार्मिक मान्यता अनुसार एहा भगवान विष्णुंकर अवतार भावरे पूजा अर्चना करा जाय थाए। एहाकु स्थापना करी पूजा अर्चना करिबा द्वारा माता लक्ष्मीकर वास हुए बोली विश्वास मध्य करा जाय थाए। तेबे शालग्रामर प्रकृत कहानी कोण? दर्शक बंधु, धार्मिक ग्रंथरे पुराण शास्त्ररे तुलसी माता एवं भगवान शालग्रामक विषयरे मध्य उल्लेख करा जायछि। एही कथा अनुसारे जलंधर नामक एक राक्षस माता पार्वतीकु विवाह करिबा उद्देश्यरे कैलाश पर्वत उपरे आक्रमण करिला। राक्षस जलंधरर एभली कुश्चित कांड देखि निजर स्वामीकु देवता मानक कबलरु रक्षा करिबा पई जलंधरर स्त्री वृंदा तपस्या करिबाकु लागिले। देवता माने एसबु देखि डरी गले। एहा परे भगवान विष्णु राक्षस जलंधरर बेश धारण करी वृंदाक सम्मुखरे उपस्थित हेले। जलंधर रूपी विष्णुंकु देखि वृंदा निजर तपस्या को त्याग करिदेले, जहाद्वारा राक्षस जलंधरर बद्ध करा जाई परिला। जेतेबेले वृंदा जानिले जे तांको सहित छलना हेछि सेतेबेले से भगवान विष्णुंकु पाषाण पलटि जिबार अर्थात पथर पलटि जिबार अभिशाप देले। एसबु देखि देवता माने वृंदाक पाखरे पहुँचिले एवं विष्णुंकु सापमुक्त करिबा पई प्रार्थना करिले। वृंदा भगवान विष्णुंकु सापमुक्त तो करिदेले किंतु से स्वयं अग्नि रे झास देले। कुहा जाय कि तांकर भस्मरु ही माता तुलसींकर जन्म हेला। एहा परे माता तुलसींकर विवाह भगवान विष्णुंकर अवतार एही शालग्राम सहित ही हेइतिला। सेथिपई आज मध्य एही शालग्राम पथरर अनेक धार्मिक महत्व रही। तेबे नेपाल रो गंडकी नदी एवं भारतर नर्मदा नदी रे शालग्राम पथर मिलिथाए। एभली मध्य मान्यता रही कि सेठारे तुलसी रो पानी को पकाई देले शालग्राम स्वयं ऊपर को भासी आसंती। तेबे एही शालग्राम अयोध्यारे पहुंचिबा पोरे एथिरे प्रभु श्रीरामंकर मूर्ति तयारी करा जिवो। एहाकु प्रस्तुत करिवार प्रक्रिया मध्य संपूर्ण भिन्न अटे। कही रखुचि रामलीलार एहि मूर्ति तयारी करबाकु जेउ मूर्तिकार एवं कलाकार मानकु चयन करा जायछि सेमाने प्रथमे निजर पूर्व कलार किछि सैंपल श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट को देबे। जेउ मानकर ड्रॉइंग एवं सैंपल पसंद आसिबो सेइ माने ही एहि शालग्रामर पथर रे मूर्ति तयारी करि परिबे। 5 रु 5.5 फुट एहि मूर्ति तयारी करा जिवो। एहार उच्चता एभली भाबरे तयारी करा जिवो जेपरिकी रामनवमी दिन सूर्यंकर किरण सीधा रामलीलांकर मस्तक उपरे पड़िबो।
दर्शक बंधु नेपाल जनकपुर जानकी मंदिर लोकमाने भगवान रामों धनु तैयारी करी ट्रेनिंग प्रदान करी। आमे समस्ते जानी कि जनकपुर हेउची प्रभु श्रीरामंकर ससुरालय, तेणु लोकमानंकर भावना को बुझी श्रीराम जन्मभूमि अध्यक्ष कमिटी गंडक नदी शिला आणिबा पाई जानकी मंदिर को पत्र माध्यम अनुरोध करिले। एही आग्रह को सेठिकार मंत्री सम्मति प्रदान करिले। सेथिपाई नेपालरु आसिला एही विशाल शिलाखंड। तेबे नेपालर गंडकी नदी जो शिलाखंड आसी महत्वपूर्ण काहीकि अटे, आपण मानू कही रखुची कि नेपालर कालीगंडकी नदी ही शिलाखंड अणा जाए। महत्वपूर्ण एथिपाई अटे कि कारण सनातन धर्म रे भगवान विष्णुंकर प्रतीक माना जाउथिबा शाळग्राम केवल से ही नदी ही बाहरी थाए। एही शाळग्राम सबुठारु उत्कृष्ट क्वालिटी अटे। वहा जाए कि एही शिला इते मजबूत अटे कि कोनोसी मध्य प्राकृतिक विपर्जय एहारो किछि मध्य क्षति करि परिबो नाही। भारत रे मध्य शाळग्राम पथर नर्मदा नदी रु मिलिथाए, किंतु कालीगंडकी रो जेउ शाळग्राम बाहरे ताहार गुणवत्ता सबुठारु भल अटे। एहा कोटि कोटि वर्षर पुरुणा अटे। एहा सहित आगामी 100 वर्ष मध्य एहा एभली ही रही परिबो। सेथिपाई अनेक मंदिर रे भगवानकर मूर्ति एही शाळग्राम पथर द्वारा ही निर्माण करा जाय थाए। तो दर्शक बंधु आशा करूछि आपण मानकु आपणकर समस्त प्रश्नर उत्तर मिल जाइथिबो एवं आपण माने मध्य एबे बुझि परिथिबे जे काहीकि नेपालरु एवं खास करी गंडकी नदीरु ही अयोध्यारे प्रस्तुत करा जाउथिबा राम मंदिर रामलीला पई एही शाळग्राम को अणागला। आपण मानक ये कथाटी केमिति लगला आमको कमेंट सेक्शन में निश्चय लिखिक जनातु। यह सहित भिडियोटी को लाइक करूँ, अन्य मानक सहित सेयार मध्य करूँ। यही भाई किसी रोचक कथा बा कहानी जानापी आपण मैने चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करूँ। धन्यवाद।